हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। हेलो, बिजनेस का एक मिनट होल्ड करो, डील करनी है। आप बताओ, आप बताओ। आवाज आ रही है सर? आ रही है, पूरी पूरी आ रही है सर। दीपक सैनी जी, गुड गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। वो सर सैलेन सैलेन से बात कर रहा हूँ सर, आईसीआई बैंक से। कहाँ से बात कर रहे हो? आईसीआईसी बैंक से सर। आईसीआईसी बैंक से। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर। आपका नाम? मेरा नाम शैलेंद्र। आपसे मेरी पहले भी कभी बात हुई है क्या सर? शैलेंद्र जी सर, शायद आपसे मैंने ये नाम पहली बार सुना है। शैलेंद्र पहली बार सुना है तो मुझे लग रहा है कि मैं दीपक सैनी, मतलब मेरी 1 साल पहले भी शायद बात हुई थी आपसे, मुझे ऐसा लग रहा है। 1 साल पहले तो सर नहीं होगी। हाँ, दीपक सैनी हो सकती है, बाकी मुझसे शायद 1 साल पहले नहीं, किसी और दीपक सैनी से हुई होगी। अच्छा अच्छा हाँ, ये हो सकता है क्योंकि मुझे काफी मतलब उनसे अच्छी बातचीत हुई थी, मुझे क्या लगा कि कहीं ऐसा नहीं है कि आप ही हो। चलिए अच्छा, कोई नहीं। अरे सर मुझसे भी बहुत अच्छी बात होगी, याद रखोगे, बताइए। इसमें क्या इशू आ गया ना कार्ड पर? सर इशू तो देखो सर, आप समझोगे सर, मुझे आशा है। इशू तो सर ये सर, है, मैं तो इसीलिए मैंने कॉल किया। इशू सर ये है कि मेरे ऊपर मल्टीपल डेप्ट है, ठीक है, और मेरे ऊपर एनबीएससी का भी है, बैंक का भी है, ठीक है। प्लस में क्या, मैंने ना अपने रिलेटिव से दे रखे, जैसे जो होती है ना क्रेडिट कार्ड की मिनिमम, मैं भी आपकी लाइन का बंदा हूँ। अच्छा, कलेक्शन के ही है? हाँ, कलेक्शन का ही बंदा हूँ मैं भी। अच्छा, एजेंसी से या बैंक से? मैं एजेंसी से, केकेबी एसोसिएट एजेंसी में था। कौन सी? केकेबी एसोसिएट, दिल्ली की एजेंसी है। तो मैंने ना मिनिमम भरा है, ठीक तो है। अभी रिलेटिव का पर्सनल लोन भी हो गया, तो मैं इसका ना सेटलमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको जो है ना राइट ऑफ तक ले जाने का इंतजार कर रहा हूँ, राइट ऑफ या विंटेज वन तक, जहाँ पेपर अच्छा मिले। तो आप तो, आपको तो पता ही है सर, एनपीए के बाद तो पेपर अच्छा नहीं मिलता, राइट ऑफ या विंटेज वन के बाद मिलता है पेपर अच्छा। वेवर तो क्या, देखो क्या है कि अगर बात करेंगे हम तो जो राइट ऑफ का वेवर है वो अभी दिलवा देंगे। अच्छा, अगर बात वो वाली है कि आपको लग रहा है कि वेवर मतलब बैंक जो मैक्सिमम वेवर देता है वो वेवर मैं अभी दिलवा दूंगा। लेकिन सर उसमें भी फिर एक इश्यू आ जाता है। क्या बताओ? इश्यू ये है कि अभी मैं मनी ना कलेक्ट कर रहा हूँ। हाँ कलेक्ट, क्योंकि अभी जो है ना मैंने बताया ना रिलेटिव का भी लोन है, वो भी मांग रहे हैं, तो वो उनको भी देना पड़ रहा है, तो कलेक्ट भी कर रहा हूँ, तो बहुत हिसाब बनाना पड़ रहा है सर। मैं अब समझ रहा वो हूँ, समझ अब रहा वो हूँ। ये जब केस राइट ऑफ तक, ये 6-7-8 महीने बाद जब मैं सेटल करने की बारी आई, जब तक मैं कलेक्ट कर लूंगा वो मनी। अच्छा, ये इशू है। चलो कोई नहीं, फिर तो देखो। पर आपने मेल क्यों डाला था यार बैंक में? क्या जो एस्केलेशन वाला मेल? एस्केलेशन वाला मेल इसलिए क्योंकि रिकवरी वाले बदतमीजी कर देते हैं। किसी ने की थी क्या हमारी तरफ से, हमारी टीम में से किसी ने? नहीं देखो सर, आपको तो पता है रिकवरी कैसे होती है, जैसे कि मैं भी इसी लाइन का हूँ, तो आप भी। वो तो देखो पता है मुझे, पर मैं वही कह रहा हूँ किसी ने कर दी थी क्या, क्योंकि आपने जो मेल डाला था मेरे पास ही आया। हाँ तो वो रिकवरी वाले बदतमीजी उसने कर दी, तभी डाला है मैंने मेल, वो बदतमीजी कर देते हैं। अच्छा अच्छा तो आपने मतलब उसमें कुछ क्या लगाया, क्या लिखा था उसमें आपने? मैंने मेल में क्या लिखा था ध्यान नहीं आ रहा मुझे, मैंने बदतमीजी के बारे में लिखा होगा, मैं इतना मुझे ध्यान नहीं, क्योंकि चलो कोई नहीं, वो तो कह रहा हूँ हमने उसको रिवर्ट कर दिया है। क्योंकि सर आपको पता है अभी कुछ मुश्किल से मेरे ख्याल से शायद 2 महीने 1.5 महीने का पहले का केस है। अच्छा, एक रिकवरी वाले ने एक आदमी से इतना कह दिया कि अगर तुझसे पेमेंट नहीं दी आ रही तो अपनी माँ बहन को भेज देता। सर इस तरीके से रिकवरी करना अरे है, ये आदमी तो ने ना सुसाइड कर लिया। बिल्कुल कर लिया होगा सर, ये कोई मतलब बैंक अलाउ नहीं करता इसके लिए बिल्कुल भी। नहीं सर वो अलाउ तो नहीं करता, लेकिन रिकवरी जो है ना थर्ड पार्टी से फोर्थ पे भी चला जाता है, ऐसे बंदे जो सीधे गाली देके बात करते हैं, आपको तो पता ही है। पता है मुझे, पता है होते हैं ऐसे बच्चे भी होते हैं जो सीधा मतलब उन्हें सिर्फ यही बताया गया कि तुम्हें फिर गाली देनी है और कुछ नहीं बाकी करना। सर आपकी बात से ना मुझे ये जानने की इच्छा हो रही है, आपकी पोस्ट क्या है? मैं सर एजेंसी से ही बात कर रहा हूँ एजेंसी से सर, एजेंसी में जी, क्या पोस्ट है? मैं सुपरवाइजर हूँ एजेंसी का। एजेंसी में टीम सुपरवाइजर है, एफिलिएट सुपरवाइजर? अब सर मैं जो है अब क्या बताऊँ, मैं एजेंसी ओनर हूँ, एजेंसी अच्छा, में एजेंसी मेरी ही है जी, मजाक नहीं सर? मजाक नहीं, एजेंसी मेरी ही है। नहीं सर, पहली बार किसी एजेंसी ओनर से बात की है मैंने, वरना आज तक मैनेजर टीएल सीनियर मैनेजर तक तो बात करी है। हाँ नहीं देखो, ऑनर जो है हर केस में इन्वॉल्व नहीं होता। हाँ ये मैंने तो है। आपको कॉल जो मेन कॉल किया ना वो सिर्फ इसलिए किया था, वो दीपक सैनी मुझे नाम सुना सुना था, मैंने 1 साल पहले काफी बात हुई थी, तो मुझे लगा मैं क्या दीपक सैनी वही तो नहीं है जिनसे मेरी पहले एक बार बात हुई थी। मेरे ख्याल से ना हो सकता है कि 1 साल पहले ना हो सकता है मेरे भाई, जरा मैं उस समय परेशान चल रहा था थोड़ा, तो मेरे भाई अटेंड कर लेते थे कॉल,
अच्छा अच्छा हो अच्छा सकता है शायद उनसे, क्योंकि वो भी एजेंसी ओनर है। अच्छा, वो कौन सी हाँ, एजेंसी क्या है, कौन सी के एजेंसी है उनकी? के भी एसोसिएट उनकी तो है। ये कहाँ पर है एजेंसी? मैंने ऐसा नाम काफी सुना है। ये दिल्ली में है, के भी एसोसिएट। अच्छा, आपने नाम सुना है? नाम सुना है मैंने, के बी के नाम मैंने काफी सुना है। ये है कहाँ पर? तो के भी आपने सुना है तो आप एक काम करो, के भी का अगर एक आपको, मिनट एक मिनट एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। आप दीपक सैनी नाम है आपका, हाँ और अभिनव सैनी कौन है? अभिनव सैनी मेरा भाई। आपका भाई है ना? हाँ अभी 2-3 दिन पहले मतलब एक केस, उनका भी केस आया हुआ था मेरे पास। अब तो आप, मतलब आपको रियल ब्रदर, अगर रियल ब्रदर है क्या उनके आप? हाँ, तो अभी मतलब कितने दिन की पहले, अभी 10 दिन पहले की शायद बात होगी। श्रीमा आप सर, आपकी एजेंसी का नाम क्या है? वैष्णवी एसोसिएट, अच्छा, ये किधर है? ये शादरा में पड़ती है। अच्छा, तो आप एक काम करना, जैसे आपने के का नाम सुना है ना, जी, आपने शायद ढंग से नहीं सुना होगा, मतलब ढंग से उसके बारे में जानकारी आपको ना, आप यूट्यूब पर सर्च करना कुणाल कुमार ट्यूटोरियल, तो जिस भाई का चेहरा आएगा ना, वो ही है के का ओनर। अच्छा, हाँ, यूट्यूब पर भाई ये का चैनल है, कुणाल ट्यूटोरियल। कुणाल कुमार ट्यूटोरियल। चलो एक बार हाँ, देखूंगा भाई। मैंने वह जो है ना नाम सुना, वो नाम मैंने अभिनव भाई के मुंह से सुना था, अभिनव भाई ने बताया। हाँ, के बी के है और SSS करके कुछ नाम बताया उन्होंने, कि ये हमारी एजेंसी है, जीजा जी है शायद वो बता रहे थे, जीजा जी है हमारे। अच्छा, अभी तो बात हुई थी अभिनव भाई से, मतलब मेरी नहीं थी उससे बात, कलीग की, जो उसने मुझे बताया था कि सर ऐसे से कोई नहीं, चीज है, वो इसलिए हमारे बता रहे हैं। हमारे जो भाई है ना, जो कुणाल कुमार है, वो क्या होता है ना, वो एडवाइस भी देते हैं लोगों को, जैसे जैसे आपको पता है, जैसे मल्टीपल टाइप तो क्या, बंदा दे नहीं पा रहा, उसके साथ बदतमीजी होती है, लोग सुसाइड कर लेते हैं ना, तो वो एडवाइस भी देते हैं, तो लोग जो है ना, बहुत दूर दूर से उनको जानते हैं, यहाँ के नहीं, राजस्थान के, पता नहीं कहाँ कहाँ के जानते हैं, वो एडवाइस देते हैं यूट्यूब बिल्कुल। पर। हाँ, तो वो मतलब चैनल हो गया ना उनका, हाँ, तो वो एडवाइस देते हैं। प्रोफेशनली प्रोफेशनली वो यही काम कर रहे हैं। हाँ, वो एक तो एजेंसी भी है उनकी और ये काम भी है। ठीक है यार, देखो लोगों को एडवाइस करना भी ठीक है, देखो गलत इन्फॉर्मेशन पास होती है, तभी कभी अभी रिकवरी वाले जल्द कुछ ज्यादा गलत कर जाते हैं, ये भी मैं मानता हूँ, अभी मेरी कभी कभी होता है। रिकवरी अभी मेरी एक रिकवरी वाले से बात हुई, तो मैंने कहा भैया मुझे सेटलमेंट करा, तो वो भाई साहब समझ रहे थे अरे नॉर्मल कस्टमर, तो मुझसे क्या बोलता है, सर आप मिनिमम भर दो, आपका सेटलमेंट तब हो जाएगा। तो मैंने कहा अगर मैं मिनिमम भर दूंगा तो DPD की रेट नहीं बढ़ जाएगी, बिल्कुल ठीक बात है, फिर का वहीं के वहीं खड़ा रहूंगा तो। और क्या, मैं तो वहीं के वहीं। अब ये एजेंसी वाले जैसे मान लो NP होता है 3 महीने बाद, मतलब 4 महीने बाद 90+ DPD में, तो एजेंसी वाले फंडिंग कर देते हैं ना, तो वो 90 का हो जाता है 120, तो इस कारण भी इशू आ जाता है बाजी बाजी। अभी तो तो फंड, अभी अभी आप क्या देख रहे हो, मतलब कौन सा फोन देखते हो? जी, मैं अभी तो सर जॉबलेस हूँ। अरे कैसी बातें कर रहा हूँ, मतलब एजेंसी वाला बंदा कभी जॉब लाइन नहीं हो सकता। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे, बाकी मैं वही अपने मतलब बात कर रहा हूँ भाई से, KKB में ही दोबारा वही ज्वाइन करूंगा। अच्छा, तो आप मतलब फील्ड देखते हैं या टैक्स वगैरह देखते हैं? मैं तो सर देखो सीनियर एजेंट था, अच्छा, तो मैं कॉलिंग करता, बाकी बाकी ना मैं फील्ड भी कर लेता था, हमारे जो वहाँ पे जो फ्लो मतलब TL था ना, टीम लीडर, तो सब सर एकदम खुश रहते थे मुझसे, और अपने एजेंसी तो वाले जो ओनर है उनसे तो पहचान है ही, अपने भाई हैं, तो सब खुश रहते थे, क्योंकि मैं फील्ड एग्जीक्यूटिव मतलब जब मैं फील्ड पे जाता था ना, तो बहुत अच्छा फील्ड विजिट करके आता था, कस्टमर को एकदम मना देता था। बाकी सर आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, पहली बार नहीं, मुझे भी अच्छा लगा सर। मैं कह रहा था ना कि शुरू में, अगर आपका आम हो तो मैं समझ गया था। हाँ, मैं शुरू में कह रहा था सर आपको मजा आ जाएगा। मैं ये कह रहा, अच्छा मैं पूछ रहा था, अभिनव सैनी वही है ना जो क्या नाम है, ये नरेला की तरफ रहते हैं, वही है ना? अभिनव सैनी नरेदा की तरफ, नरेदा की तरफ से क्या मतलब, कुछ एड्रेस वगैरह पता है? नरेला में एड्रेस है इनका, नरेला में कोई गांव है ना, सैनी मोहल्ला, तो सर मुझे लग रहा है ना वो कोई और अभिनव सैनी होगा, मैं क्योंकि इसलिए हमारे, कंफर्म हो रहा हूँ। हाँ, मैं इसलिए कंफर्म हो रहा हूँ, दोनों सेम है या तो दोनों मतलब रिलेशन है या नहीं है। नहीं सर, क्योंकि मैं मिस्टर कभी, कुणाल कुमार के साथ ना हजारों लोग जुड़े हुए हैं आज हाँ की तो वो डेट तो में। देखो, हर बंदा कहता है कि मेरे भाई हैं, मेरा ये है वो है वो होता है, इसलिए मैं जाना ज्यादा है, कि ऐसा नहीं है कि दोनों मतलब मैं एक ही बंदे से बात कर रहा हूँ या अलग अलग है। अब सर हाँ, वो अलग होगा सर, दूसरा मेरा हाँ, जो वो अलग अभिनव होगा। सैनी है वो दूसरा है, क्योंकि मिस्टर कुणाल के साथ ना पूरे भारत में बड़े बड़े दूर से और हजारों लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, तो वो एडवाइस देते हैं ना, तो वो वही वाली बात होगी, उन्होंने एडवाइस दिया होगा उनको, तो उस बेस पे उन्होंने जो है मतलब
मुझे चीजें बताई थी। हाँ सर, कोई नहीं, चलो कोई नहीं। एक यूट्यूब पे उन्होंने वीडियो डाली थी, एक व्यूवर के साथ बातचीत हुई थी। अच्छा अच्छा, तो सर व्यूवर बेचारा रोने लगा, इतना परेशान कर दिया। बजाज वाले बदतमीजी ज्यादा करते हैं ना, तो बजाज वालों ने घर पे आके बदतमीजी की, तो व्यूवर रोने लगा। बताओ कॉल पर बोल रहा है सर मेरे 3 बच्चे हैं, सर मैं सुसाइड करने की सोच रहा हूँ, ऐसे बात हुई थी कुछ। अच्छा अच्छा भाई, आप चेक करना, आप एजेंसी ओनर का चेहरा देखो। नहीं मैं कुणाल, आपने नाम बताया ना, कुणाल कुमार ट्यूटोरियल देखता हूँ मैं एक बार। ठीक है सर। अच्छा मैं ये कह रहा था कि अगर पॉसिबिलिटी है तो देख लेना एक बार, मैं बात करूँ सेटलमेंट के लिए। पॉसिबिलिटी वही दिक्कत तो वही है ना, वैसे आईसीआईसी का, आईसीआईसी से बोल रहे हो ना आप? हाँ आईसीआईसी। वैसे सर क्या मतलब, अगर मान लो पॉसिबिलिटी हो जाए तो क्या वेवर मिल सकता है? आईसीसी का मैक्सिमम वेवर 50% है। एक मिनट सर, मेरे पास सेटलमेंट लेटर है, मैं एक बार देख लेता हूँ कितना होता है। देख लो एक बार, क्योंकि 50 से ऊपर मैंने तो अभी तक देखा नहीं आईसीसी का, पूरा काम आईसीसी का ही है मेरे पास। अच्छा, इससे ऊपर तो बैंक वेवर देता नहीं है। बाकी सर मैं देख लेता हूँ, सोचता हूँ कुछ, क्योंकि जो है ना इसमें थोड़ा, मैंने बताया ना मनी, थोड़ा सा मतलब 18 से पहले पूछ लेना कोई लेटर में, अगर बता कुछ करना है अगर तो। 18 हमारी बिलिंग डेट है इसकी, तो परसों मतलब 2-3 दिन बाद ही है, तो वही है। देखो हमें भी फिर वही स्टैप अकाउंट चाहिए होता है, कम से कम ताकि केस होल्ड रहे। बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि लेटर देने के बाद आपके स्टैप अकाउंट हो, ताकि आपका मैनेज भी रहे। हाँ सर ये भी है, आपका मतलब लेटर देने के बाद आपकी बात ना कटे। हाँ बात मतलब जो मेरी बात है वो भी ठीक रहे, और आपका भी मतलब लॉस ना हो। मैं अपनी तरफ से तभी तो सर मैं आपसे बोल रहा हूँ, पहले सोच लेता हूँ एक मिनट सर। तो आप सोच लो एक बार, सोच के मुझे एक बार शाम तक जो भी अपडेट हो एक बार वो दे देना। बाकी मैं एक बार देख लेता हूँ, रुकिए। ठीक है सर, ठीक है। आईसीआईसी रुको सर, पहले देख तो लूँ। आप सर 50% वेवर दिलवा रहे हो? हाँ 50%, मतलब पूरा 50 नहीं जाएगा, 49.9 कुछ परसेंट ही जाएगा। 49.9? अच्छा सर। हाँ मतलब एग्जैक्ट 50 नहीं देता ना बैंक। अच्छा सर, यहाँ पे मेरे पास 54% का तो सेटलमेंट लेटर पड़ा है। 54% तो एनआर के हिसाब से पड़ा होगा ना, टोटल आउटस्टैंडिंग के हिसाब से। हाँ सर। अच्छा सर आप प्रिंसिपल पे करवाओगे? मैं प्रिंसिपल पे कराऊंगा ना। अरे वाह सर, क्या कहने सर, आप जैसा मतलब बंदा अगर मिल जाए हर किसी को तो क्या कहने, बेचारा मुक्त हो जाएगा अपनी टेंशनों से। अरे सर क्या बताएं सर, आप एक, देखो ये पर्सनल नंबर है? पर्सनल नंबर है मेरा, शैलेंद्र ही नाम लिखा होगा उसको, देखना आप शैलेंद्र का। एक मिनट का, मैं टू कॉलर में यूज नहीं करता, मैं इसको सेव कर लूंगा। क्या नाम बताया था? शैलेंद्र शर्मा। शैलेंद्र शर्मा, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। बाकी सर जैसे मान लो आईसीआईसी के और कोई केस होंगे तो आप सॉल्व करवा दोगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चाहे कार्ड का कोई भी, कार्ड का कोई भी हो, कार्ड का चाहे आपके पास केस ना हो तब भी। हाँ कोशिश करूंगा कि अपने पास मंगा लूं। ओके सर, तो मैं इसको ना आपको बताऊंगा शाम तक ऐसे ही कुछ 5-6 बजे। ठीक ठीक, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, ओके ओके। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।